हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अक्षय शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल फीचर मेकर। और एक बार फिर हम जुड़े हैं आपसे और आज हमारी क्लास 17 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 16 तक हमने संविधान सभा, संवैधानिक विकास, अनुसूचियां, प्रिम्बल, सोर्स, ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक कई बच्चों की कॉल आई मेरे पास सर नोट्स, तो मैंने आपको पहले बता दिया है। क्लास 9 के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक एक क्लास में सारा कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास में भाग एक, संविधान का जो भाग एक है संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र, कम्प्लीटली इसमें ही इसी क्लास में उसको समाप्त कर दिया जाएगा, वन एंड ओनली क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। जो पीछे की हमने क्लासेस ली हैं उसके बेस पे ये क्वेश्चन तैयार करके मैं रोज़ एक लाता हूँ। यदि आपने क्लास अटेंड नहीं किए तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में और सारी क्लास देखिए, उसके बाद आपको आनंद आएगा। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो तीन शब्द जोड़े गए थे, तो आपको यहाँ नोट करना है कौन सा शब्द ऐसा है जो नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, सी समता और डी अखंडता। तो इनमें से एक शब्द जो गलत है, जो नहीं जोड़ा गया था, वही आपको चूज करना है, ठीक है। आप पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास में, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग एक की, ठीक है। लेकिन क्लास शुरू होने से मैं आपको एक बात बता दूं पहले ही कि आजकल सारी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है कि हम ही ऑनलाइन नहीं है। आपने देखा होगा सारे लोग, बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको पॉलिटी आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको घाट घाट का पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब की तमाम वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ क्लास ले लेते हैं, क्योंकि वो सारी क्लास ही मैंने देख, जितनी भी यूट्यूब ट्रेंडिंग क्लास रहती हैं सब मैं देखा हूँ, सब मैंने देखा कि इसके पास क्या कंटेंट है क्या नहीं है। तो आप ये भरोसा करिए, आप क्लास देखिए और भी देखिए, ये भी देखिए, आपको यहाँ कमी नहीं मिलने वाली है कोई भी। और बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उस बात का, यानी इसको बस छोड़ दिया समझा कर। यहां से आप PCS तक के क्वेश्चन अगर आ रहा, बड़े आराम से, मतलब PCS में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पॉलिटी पढ़ रखी है तो वो आपको नहीं होगी। और सिंपल सी बात, सबसे पहली बार मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि मैं 22 सिक्वेंस आपको पढ़ा रहा हूँ, संविधान के सिक्वेंस से ही मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, ठीक है। संविधान का चर्चा होगी, जैसे अभी ये अब हम समझाएंगे, चार आर्टिकल है, लेकिन इसके बारे में क्या क्या मसले हुए, जो पॉलिटी का पूरा मुद्दा है राजव्यवस्था का, वो भी यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा। अगला भाग है नागरिकता के सारे आर्टिकल, वो संविधान हो गया, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी मतलब पॉलिटी है राजव्यवस्था, वो सारी की सारी वहीं पर ही ख़त्म कर दी जाएगी, वन एंड ओनली क्लास में। आज की क्लास हमारी भाग एक पर है, संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र, इससे बनने वाला क्वेश्चन आज ही समाप्त हो जाएगा। अगर आपने एक क्लास ले ली, अब एक क्लास डेली, एक क्लास में आप पूरा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे अगली क्लास नागरिकता की होगी, ठीक है, फिर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे, तो वो एक क्लास में पूरा, चाहे वो थोड़ी लंबी हो जाए क्लास, लेकिन एक ही क्लास में पूरा कंटेंट खत्म कर दिया जाएगा, क्लियर है। जिससे कि आपको बार बार दूसरी वीडियो का इंतजार ना करना पड़े, एक कंसेप्ट एक बार में ख़त्म हो जाए, क्लियर है। लेकिन भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज भाग एक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में, संविधान हमारा 25 पार्टों में डिवाइडेड है इस समय, पहले 22 भाग थे, कुछ बढ़ा दिए गए तो अब 25 भाग हैं। उसके अंतर्गत हमारे संविधान में लगभग इस समय 465 आर्टिकल्स है, जैसे चैप्टर ने होते हैं किताब में, पहला पार्ट फिर उसके बिंदु दे रखे हैं, इस तरीके से भागेगा उसमें क्या विवरण है, ठीक है। जैसे एक पार्ट आ गया, उस पार्ट में सेंटेंस है तो सेंटेंस के रूल हैं, एक में आपके आपके वर्ब हैं तो वर्ब की है, प्रोनाउन से, इस तरीके से इंग्लिश की बुक में होता है ना, तो ऐसे ही एक किताब है जिसके अंदर क्या भाग एक संघ तथा राज्य क्षेत्र, तो उससे जुड़े बिंदु हैं, ये संविधान में पढ़ना ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या मुद्दे, क्या राज्य थे, क्या सारी चीज़ें थी। पहले हम इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं कि भाग एक है क्या, किसके बारे में बताता है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, फिर जिसका डिस्कशन इस भाग में किया गया है उससे जुड़ी हुई पॉलिटी क्या, उससे क्या क्या राजनीति हुई है इस मुद्दे को लेकर के, कौन कौन से स्टेट बढ़ाएंगे, उन सब पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात बताते हैं, जो भाग एक है संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र, इसमें चार आर्टिकल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग संविधान के भाग एक में कितने आर्टिकल हैं, तो चार आर्टिकल हैं, 1 2 3 4 आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, उन आर्टिकल्स को समझना है।
पहला आर्टिकल्स आपका जो अनुच्छेद एक है वो संघ का नाम तथा क्षेत्र, संघ का नाम तथा क्षेत्र। तो संविधान में जो हमारे देश का नाम है वो भारत और इंडिया, दोनों ही मतभेद थे, कुछ लोग चाह रहे थे इंडिया हो, कुछ लोग चाह रहे थे भारत हो, तो उन्होंने दोनों ही इसका मीन्स एक कर दिया, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया का मतलब ही क्या होगा, भारत होगा, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, ये वर्ड जो यूज़ हुआ है, राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का समूह वर्ड नहीं किया, राज्यों का संघ हमारे संविधान में यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट इससे जुड़े हुए हैं, ये पूरी एक यूनिटी है पहले से, ये विभाजित नहीं हो सकते, इनको इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसा कि ये हमारा संघ वर्ड अलग है और देशों से, जैसे अमेरिका स्विट्जरलैंड में परिसंघ होता है, ऑस्ट्रेलिया में संघ है, हमारे यहाँ संघ का मतलब है जो इससे स्टेट जुड़े हुए हैं उनको उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत से अलग नहीं हो सकता, ये उसको राइट्स नहीं है किसी भी कीमत पर भी, ठीक है। तो राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का समूह नहीं, राज्यों का परिसंघ नहीं, क्या है, राज्यों का संघ है। नाम किसका वर्णन दिया गया है, एक तो भारत और एक इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये किस में वर्णन है, आर्टिकल 1 में वर्णन है, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या बताता है, आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, ठीक। जैसे जो भारत की भौगोलिक सीमा है, उस भौगोलिक सीमा से अलग कोई स्टेट है और वो भारत में सम्मिलित होता है, तो इसको किस आर्टिकल्स के तहत भारत में शामिल किया जाएगा, आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 2 में प्रावधान है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3, इसमें लिखा हुआ है नए राज्य का निर्माण, उनकी सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन। सर ये नए राज्यों का निर्माण के मैटर है, वो ऊपर भी तो नए राज्य हैं मेरे भाई। नीचे निर्माण का मतलब ये है जो भारत की भौगोलिक सीमा में था क्षेत्र, जैसे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में से ही काट के एक क्या निकाल दिया, तेलंगाना निकाल दिया। क्या वो कोई अलग भौगोलिक सीमा से आया, नहीं, भारत में पहले से ही था, एक राज्य का राज्य में से विभाजन किया गया उसका, ठीक है। तो जो तेलंगाना बनाया गया है वो कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया होगा, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, जो हमारे देश में पहले से ही था लेकिन विभाजन किया गया। या फिर नाम परिवर्तन किया जाए, जैसे मद्रास और मैसूर के नाम बदल दिए गए, ठीक आपका, और सीमा क्षेत्र, जैसे किसी बाउंड्री लाइन है उसमें कुछ चेंजअप करना, तो सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन या फिर नए राज्य का निर्माण करना, ये सब के सब क्या होते हैं, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। जैसे लद्दाख अभी एक नया यूटी बनाया जम्मू कश्मीर में से, तो क्या लद्दाख को आर्टिकल 2 के तहत बनाया गया होगा, आर्टिकल 3 के, तो आप कह दोगे आर्टिकल 3 के, क्योंकि लद्दाख पहले से ही भारत की भौगोलिक सीमा में था। क्लियर होगी बात। अब आर्टिकल 4 क्या है, अब सपोज दैट आपने लद्दाख एक नया स्टेट बना दिया, तेलंगाना एक नया स्टेट बना दिया भारत का, ठीक है, लद्दाख यूटी है और तेलंगाना स्टेट बनाया गया 2 जून 2014 को। अब जब वो स्टेट बनाया गया है तो क्या हुआ, क्या संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, बिल्कुल, कौन कौन सी किस जगह, एक तो प्रथम अनुसूची में, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया प्रथम शेड्यूल में राज्यों का विवरण है, तो वहाँ राज्यों के विवरण में एक राज्य ऐड करोगे नहीं करोगे, तो पहली अनुसूची में भी संशोधन होगा, फिर चौथी अनुसूची में राज्य सभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है, कोई स्टेट है तेलंगाना तो उसमें भी अमेंडमेंट करना, तो जो उन दो अनुसूची में अमेंडमेंट होगा वो किसके तहत होगा, आर्टिकल 4 के तहत। और जबकि संविधान संशोधन के लिए आपको ध्यान होगा आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है, लेकिन अगर आप कोई राज्य का निर्माण कर रहे हैं भारत में, ठीक है, फिर राज्य नगर प्रवेश कर रहे हैं, नए राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, इन सब कार्यों करने के लिए जो प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में आपको संशोधन करने होंगे, वो संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं होंगे, वो साधारण विधेयक करके पारित हो जाएंगे। ये बताता है कौन भाई, आर्टिकल 4 बताता है कि उनके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता, विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, वो साधारण विधेयक से ही अमेंडमेंट कर लिए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी चार आर्टिकल्स आपको समझ में आ गए, ठीक है, आप चाहें तो इनको पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए सारी जानकारी को। अब क्वेश्चन क्या है भाई, एक बच्चा बोलता है सर ठीक है, अब क्या हुआ कि सर आपने ये बताया कि कोई भारत की भौगोलिक सीमा में स्टेट है, उसका तुमने नया स्टेट बना दिया आर्टिकल 3 के तहत, भौगोलिक सीमा में नहीं है उसको स्टेट शामिल करा है आर्टिकल 2 के तहत, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि भारत को कुछ क्षेत्र देना पड़ जाए, जो भारत का क्षेत्र था और उसको देना पड़ता है, यानी कि भारत की राज्य सीमा से वो हट जाए, एक स्टेट है वो छिन जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके का यदि प्रावधानों को क्षेत्र देना हो तो कौन सा, क्या आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 4 क्या होगा उसके लिए, क्या आर्टिकल 4 के तहत अमेंडमेंट। तो देखो
हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 3 के तहत काम कर रहे हैं। क्यों, कोई स्टेट था उसका वो वाला क्षेत्र हमने दे दिया, क्षेत्र में परिवर्तन करा ना, क्षेत्र दे दिया, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राज्य से वो चीज़ हट गई तो वो अमेंडमेंट क्या इसके तहत होगा? नहीं। अगर हमें कोई चीज़ देनी है स्टेट की, तो उसके लिए जो संविधान संशोधन 368 के तहत ही हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है 368 के तहत। लेकिन यदि आप दे रहे हो कोई भाग, तो आर्टिकल 368 की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक केस है बेरुवाड़ी, ठीक है, बेरुवाड़ी 1960। बेरुवाड़ी एक क्षेत्र था जो बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान था, उसके समीप था, उसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो वो भारत को देना पड़ गया था, ठीक है। और जब उसके लिए प्रस्ताव आया था, बेरुवाड़ी देना पड़ा था, तब उसके मैटर में सारी बातें थी, उसके बारे में मैं भी डिस्कस करके आपको बताऊंगा, ठीक है, कि क्या था बेरुवाड़ी केस, क्या मसला था। लेकिन पहले आपको आशा करता हूँ आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा क्या बेरुवाड़ी केस था, इससे रिलेवेंट क्या मसला है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप अभी। देखिए, अब मैं उन दो बातों की चर्चा करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेंगी, ठीक है। बहुत कम क्लासेस में आपको ये बात समझाई जाएगी और बताई जाएगी, लेकिन बहुत जानना बहुत ज़रूरी है इन बातों को, ठीक है। क्या है वो दो बातें? पहली, आर्टिकल 2A। अब आपको किताबों में ये नहीं मिलेगा आर्टिकल 2A, क्योंकि समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या था इसके बारे में मसला ज़रूर आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि आप कंप्लीट पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। वो चार आर्टिकल जो थे 1, 2, 3, 4, तो उसमें एक आर्टिकल 2A भी जोड़ा गया था, बाद में हटा दिया गया। क्या मसला था? देखिए, हमारे एक पड़ोस में स्टेट, पड़ोस में एक क्षेत्र था सिक्किम, ठीक है, चोगयाल वहाँ पर शासन हुआ करता था, ठीक है। अब जो शासन था वहाँ पर, वहाँ के लोगों ने इच्छा बताई कि हम संबंध रखना चाहते हैं किससे, भारत से, यानी कि हमारे ऊपर साया रहना चाहिए किसका भी, भारत का। पूर्ण रूप से हम भारत का राज्य नहीं बनना चाहते, लेकिन भारत का हमारे ऊपर साया रहे, तो उसके लिए विशेष प्रावधान, भाई आर्टिकल 2 के तहत यदि वो प्रवेश कराया जाएगा सिक्किम को, तो पूर्ण राज्य बनेगा, तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिया गया। तो सिक्किम को आर्टिकल 2A के तहत शामिल किया गया, और वो आर्टिकल 2A था, यानी कि सिक्किम सब के साथ संबंध, यानी कि एक संबंध रखा गया कि हाँ, सिक्किम के ऊपर भारत का साया और हमारा एक रिलेशन है, ये भारत का पूर्ण राज्य नहीं है, तो उसके लिए एक अलग आर्टिकल बनाया गया था आर्टिकल 2A। और ये किस अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था? ये बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन 1976 के, मतलब 74 के तहत इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 2A को। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद सिक्किम ने इच्छा जताई वहाँ के लोगों ने कि अब हम भारत के साथ खुशहाल हैं और हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत का पूर्ण राज्य बनना चाहते हैं। अब भारत ने की कोई बात नहीं है, हम तो तैयार हैं, ठीक है, तो और इसके लिए एक 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, एक तो आर्टिकल 2A और एक 10वीं अनुसूची। आपको कह सर 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर है, अरे मेरे भाई, दल बदल के आधार पर तो 1985 बाद में जोड़ी गई थी, पहले 10वीं अनुसूची सिक्किम के लिए प्रावधान, विशेष दर्जा कुछ दिया गया था उसके लिए थी, लेकिन समाप्त कर दी गई। दोबारा जो 10वीं अनुसूची आई वो दल बदल के आधार पर है। क्लियर, सारी बातें आपके दिमाग से क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो क्या हुआ, आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया सिक्किम का, लेकिन सिक्किम ने कहा कि अभी हम पूर्ण रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर एक अमेंडमेंट और किया गया, कौन सा भाई, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत क्या किया गया, आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची, आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, और फिर सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत ही भारत का क्या बना दिया, पूर्ण राज्य बना दिया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। तो ये आर्टिकल 2A था जो अब क्या कर दिया गया है, एक साल में इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान थे, लेकिन फिर सिक्किम को पूर्ण राज्य बना लिया, तो इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई, तो ये दोनों के दोनों फिर क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। क्लियर है बातें, ठीक है। अब एक बेरुवाड़ी केस, ये क्या था, ये क्षेत्र था जो मैं आपको बताऊं, जो हमारा ये वाला क्षेत्र पड़ता है नहीं, ठीक है, इधर को ये क्षेत्र पड़ता है, ये ठीक है, ये आपने देखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ यहाँ बेरुवाड़ी क्षेत्र पड़ता था, यहाँ ये पाकिस्तान था पहले, लेकिन अब बांग्लादेश है, तो इस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो इसको क्या किया, इन लोगों ने कही कि भाई यहाँ पे होना चाहिए, तो इसमें सहमति बन गई, संधि हुई 1958 संधि हुई कि हाँ भाई इसको सौंप दिया जाएगा। लेकिन जब इसको सौंपने की बात आई, तो भारत का क्षेत्र जो है हम किसी अन्य देश को सौंप रहे हैं, इसके लिए क्या करें भाई, आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रहे हैं हम, क्योंकि सीमा क्षेत्र में बदलाव कर रहे हैं इस स्टेट की, क्या बदलाव कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र को पाकिस्तान को दे रहे हैं। बेरुवाड़ी एक गाँव समझ लो, थोड़ा क्षेत्र, उसको हम क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान को सौंप रहे हैं,
तो अब क्या करें, लेते तो आर्टिकल 2 के तहत हैं लेकिन देंगे मतलब दे तो नहीं रहे, बदलाव कर रहे हैं सीमा क्षेत्र में आर्टिकल 3 के तहत। तो क्या ये बदलाव जो संशोधन है, क्या जिस तरीके से हम लेते हैं तो आम संशोधन करते हैं उसी प्रकार से हो जाएगा? तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 में प्रावधान राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछता है कि क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, अगर आप भारत का भाग लेते हो, कोई ये अमेंडमेंट संविधान में करना है, कोई ऐड कर रहे हो भारत में, ऐड कर रहे हो कोई भी चीज़, तो इसको आम बजट आम आप बिल ला सकते हो, साधारण विधेयक से आप इसको पास करा सकते हो। लेकिन यदि भारत का कोई भाग आप दे रहे हो किसी को, तो इसके लिए साधारण विधेयक नहीं, इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 जो आर्टिकल 3768 है, आर्टिकल 368 है, उसके अंतर्गत ही आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए 309वां जो आपको बताते हैं, 9वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 9वां संविधान संशोधन 1960 में जो किया गया था वो वेरुवाड़ी को लेकर ही था, क्लियर है? तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि हमने एक क्षेत्र दिया था, जबकि हम एंट्री करते हैं तो कोई बड़ा संविधान संशोधन हमको करने की आवश्यकता नहीं होती, क्लियर है भाई? तो इसको आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, पूरी वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए कि संविधान में क्या था, क्या मसला था बेरुवाड़ी का, ठीक है? इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको पूरा सिक्वेंस बताता हूँ, क्योंकि इसमें हमें राज्यों की बात करनी है, राज्यों के मामले में मसला है। तो बच्चे सोचते हैं सर प्रारंभ में कितने स्टेट थे, अब कितने स्टेट हो गए, इस टाइम समय समय पर स्टेट बढ़ाए गए हैं, ठीक है? नए राज्यों का निर्माण किया गया है, तो वो कब कब किया गया, कैसे किया गया? तो पहले आपको मैं ब्रीफली आपको सारी बात समझाता हूँ, फिर मैं शुरुआत से बात करेंगे, बिल्कुल, ठीक है? तो देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो संविधान में 1950 में हमारे पास चार प्रकार के राज्य हुआ करते थे, एक तो भाग का, भाग खा, भाग घा और भाग गा और घा, ठीक है? चार प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, ठीक है? इसमें वो स्टेट थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है? ब्रिटिश प्रांत वाले स्टेट इसमें रखे गए भाग का में, ठीक है? जो भाग खा वाले स्टेट थे इसमें आपके जो देसी रियासतें थीं, जो भारत में देसी रियासतें थीं, आपको बता दूँ लगभग 565 देसी रियासतें थी, रजवाड़े जो राजा हुआ करते थे, तो जो देसी रियासतें भारत में शामिल हुई उनको किस भाग में रखा गया, भाग खा में। इसमें क्या थे, इसमें यूटी थी, यूटी मतलब जो चीफ कमिश्नरियाँ थीं, ठीक है? आज यूटी कह सकते हैं, चीफ कमिश्नरी वाले जो स्टेट थे उनको रखा गया किसमें भाई, भाग गा में। और इसमें रखा गया था एक आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ये किसमें रखा गया, भाग गा में। इस प्रकार से 9 स्टेट इसमें, 10 इसमें, टोटल 29, कितने 29 स्टेट थे हमारे पास 1950 में, चार प्रकार से डिवाइडेशन थे। उसके बाद क्या हुआ मसला, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग हुई, मसले चलते रहे, ठीक है? फिर लास्ट में जाके 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, एक आयोग बनाया गया था जिसके तहत राज्य को क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और 1956 में इन सबको मिक्स करके, ठीक है, कुछ को मिक्स कर दिया, कुछ को समाप्त कर दिया, तो कुल मिलाकर 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जो आजकल की नीति है दो प्रकार के स्टेट, वो 1956 में किया गया। तो इन सबको मिलाकर 14 स्टेट बना दिए और 7 क्या बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद समय समय पर अमेंडमेंट हुए, कब हुए वो अभी हम चर्चा करेंगे, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। जैसे 1960 में आपका बंबई का विभाजन करके एक तो महाराष्ट्र बना दिया, एक गुजरात बना दिया नए राज्य, फिर आपका हरियाणा, इस तरीके से जो स्टेट बनाए गए समय समय पर उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन 2019 में, लास्ट में आपको बताता हूँ, 2019 में इसी प्रकार से अमेंडमेंट करते करते राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 28, और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। ये राज्यों का सफर था स्टार्टिंग से, 1950 में ये था स्ट्रक्चर, 1956 में ये आज वाला स्ट्रक्चर आ गया, फिर ये राज्यों की संख्या बढ़ती रही और इस प्रकार से ये संख्या हो गई। आशा करता हूँ इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आया, ठीक है? अब हम चर्चा करेंगे शुरू से, बिल्कुल 1950 में क्या मसला था जो इस प्रकार के स्टेट बनाए गए, फिर ये के किस पर कौन सी समिति बनाई गई जिसके तहत ये वाला प्रावधान किया गया, फिर समय समय पर कौन कौन से स्टेट बढ़ाए गए, कब कब बढ़ाए गए, ठीक है, कहां से उनको बढ़ाया गया जिससे कि 2019 तक इतने स्टेट हो गए। तो हम सफर तय करेंगे 2019 तक का, कहां से भाई, 1950 से। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ये एक क्या था, ये आपका प्रस्तावना था कि है क्या मैटर, ठीक है, उसके बारे में फिर आपको समझ में आएगा हम कस चल किस लैंग्वेज में रहे हैं, ठीक है, किस तब दिशा में चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर था, अब शुरुआत करते हैं 1950 से, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा आपको, ठीक है, वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन
सी लेवल से लेकर अपर लेवल पीसीएसपी तक बड़े आराम से आप सारा कुछ कर पाएंगे और समझ में आएगा तो लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, बस वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज करके देखेंगे, रिव्यू करके देखेंगे बार बार, तो फिर आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं अब चर्चा करता हूँ ब्रीफली, बात करते हैं 1950 से क्या मैटर था, कौन सी समितियाँ थी। और देखिए एक बात का और ध्यान रखें, आप सारी चीज़ इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और कमेंट जरूर किया करें अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें केंद्र शासित छः थे, मैंने अभी साथ लिखा दिया था, नोट कर लेंगे इसको, छः जो 1956 में जो हुआ था। ठीक है, पुनर्गठन, तो उसमें 14 स्टेट थे और यूटी कितनी थी आपकी, 6 केंद्र शासित राज्य थे। लेकिन आज हमारी करंट में कितने हो गए, 9। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको स्ट्रक्चर को। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्या हुआ, क्या एस के धर आयोग क्या था। ठीक है, आपके जेबीपी कमेटी क्या थी, कौन पोटी श्री रामलू थे जो अनशन के तहत मारे गए, भाषाई आधार पर राज्य क्या मैटर था, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसको नोट करें सभी, ठीक है, फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखिए अब स्टार्टिंग से शुरुआत होती है, जब हमारी संविधान सभा संविधान बना रही थी तो मामला आया राज्यों का कि राज्य किस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए, राज्यों का निर्माण किस प्रकार से मतलब विभाजन हो राज्यों का। तो देखिए पहले जो कांग्रेस का रुख था वो भाषा के आधार पर राज्य का था, लेकिन जैसे जैसे संविधान सभा बनी है और आज़ादी मिली तो उसका रुख बदल गया, वो तो इसके विरुद्ध चली गई। ठीक है, अब इसको मसला जब संविधान में मसला उठाया गया कि हाँ भाई कुछ लोगों ने क्या करा, जैसे तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में तमिल और फिर एक तेलुगु भाषा का थोड़ा लोग रहते हैं, उन्होंने क्या करा भाई कि हमें अलग अपना स्टेट चाहिए। तेलुगु वालों ने ये आवाज़ उठाई कि तेलुगु भाषा का एक अलग स्टेट हमको चाहिए। ठीक है, अलग बिल्कुल, ठीक मद्रास से बात, तमिल भाषा के लोग रहते थे तेलुगु भाषा के, तेलुगु वालों ने अलग मांग कर दी। ठीक है, अब इसको लेकर संविधान सभा संसद में आ गई कि क्या करा जाए भी। ठीक है, तो इसको लेकर क्या किया गया, संविधान सभा ने एक कमेटी बनाई, सबसे पहले एक आयोग बनाया जिसको हम जानते हैं धर आयोग। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनने को लेकर सबसे पहले आयोग कौन सा बनाया गया, धर आयोग 1948 में। ठीक है, इसका गठन किया गया जून 1948 में संविधान सभा के द्वारा और इसको कार्य सौंपा गया कि आप इस पर साइड इफेक्ट इसके बताइए कि ऐसा करना ठीक है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भारत की अखंडता को आगे जाकर। ठीक है, तो इसकी जून 1948 में गठन हो गया, इसके अध्यक्ष थे एस के धर, ये ध्यान रखना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे एस के धर। और इसमें अन्य सदस्य भी थे, एक पन्नालाल जो एक आईसीएस ऑफिसर थे और एस के धर जो एक लॉयर थे। ठीक है, एक लॉयर थे एस के लाल, सॉरी एस के लाल लॉयर थे और पन्नालाल आईसीएस जो इसमें सदस्य, इन तीन लोगों की समिति थी ये। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 6-7 महीने बाद, दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में ये बताया इसने कि भाषा के आधार पर आप राज्य का गठन ना करें, सिर्फ भाषा के आधार पर। क्यों? क्योंकि फिर भाषा को ज़्यादा ही तूल दिया जाएगा कि हम भाषा के लोग हैं, यहाँ पर एंट्री गुजराती घुस गया तो उसको पीट रहे हैं कि तू कैसे आ गया हमारे, बिल्कुल मतलब एक वो राज्यों के संघ है ना यूनिटी, उसको खतरा हो जाए, भारत की अखंडता को खतरा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको लेकर जो अपनी रिपोर्ट पेश की किसने, धर आयोग ने, उसने कहा कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा। ठीक है, अब जैसे ही रिपोर्ट पेश आई जो तेलुगु वाले लोग थे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, बोले अरे ये क्या हुआ भाई, इस समय ये हथौड़ा मार लो तभी काम हो सकता है, बोले ना साहब हमें तो भाषा के आधार पर चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, और वो पूरे विरोध में आ गए। अब इसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी और बनाई गई, बोलो ठीक है एक बार और विचार करा जाए, क्या पता इन्होंने साइड इफेक्ट सही से नहीं पड़े हो, एक बार और कर लेते हैं उन लोगों की मांग पर। ठीक है, तो फिर एक गठन किया गया जेबीपी कमेटी। ठीक है, इसमें जेबीपी का मीन्स है जे फॉर जवाहरलाल, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पटावी सीतारमैया। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं ये भी। तो इस समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में इस आयोग की रिपोर्ट पेश करने के बाद। ठीक है, और इसमें तीन सदस्य थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटावी सीतारमैया, तीनों दो तो बहुत प्रमुख आदमी थे इसमें। ठीक है, अब इन्होंने रिपोर्ट पेश की 4 महीने बाद अप्रैल 1949 में, और सिंपल सी बात, जो इन्होंने प्रॉब्लम थी अखंडता को वही खतरा इनको दिखाई दिया, तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में क्या करा भाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, ये गलत है, इसको देश की अखंडता को खतरा, भाषा के आधार पर ज़्यादा तूल दिया जाएगा भाषा को। ठीक है,
हर हर पूरे भाषा के आधार पर विभाजन हो जाएगा भारत का, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे। ये दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, समझ में आई सारी बात। और फिर जब मेन कमेटी थी इसने ही मना कर दिया, तो उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें चार प्रकार के स्टेटों का वर्णन इस प्रकार से राज्य स्टेट हो गए, एक तो भाग का के राज्य, भाग खा, भाग गा और भाग घाव, ठीक है। ये आपका भाग 6 था संविधान का, ये भाग 7 था, ये भाग 8 था, ये भाग 9 था। इसमें प्रावधान, इसमें 9 स्टेट वो रखे गए जो ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है। इसमें 9 स्टेट वो थे जो देसी रियासतें थी, मैंने आपको बताया था अभी पीछे भी स्ट्रक्चर में, इसमें ब्रिटिश प्रांत, इसमें देसी रियासतें, और जो चीफ कमिश्नर थी वो भाग गा में रखी गई। और इसमें एक स्टेट रखा गया था जो अलग द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, वो भाग गा में रखा गया। तो इस प्रकार से 1950 में टोटल चार प्रकार के राज्यों में कितने स्टेट थे, 29। इस प्रकार से चार प्रकार के राज्य जोड़े गए इसकी रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन अब क्या यही स्टेट बने रहे, मैंने भी बताया कि 1956 में कुछ मसला नया आ गया, तो ऐसा क्या घटना हुई कि इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और एक नया स्ट्रक्चर लाया गया। अब बात समझ में आई, संविधान सभा में क्या हुआ, व्युत्पत्ति हुई, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो धारा आयोग आया, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी, फिर JVP कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की, फिर एंड दी एंड फाइनल कर दिया गया इतने प्रकार के राज्य होंगे। लेकिन अब ऐसी क्या व्यथा हो गई कि इसको भी कैंसिल करना पड़ गया, ठीक है। तो भाई सिक्वेंस पढ़ रहे हैं हम, अब जब संविधान, मूल संविधान में कितने राज्यों का वर्णन था, 29 राज्यों, कितने प्रकार के थे, चार प्रकार के, ठीक है। अब आगे ऐसी क्या घटना हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसको पॉज कर लें, नोट डाउन कर लें। देखिए मसला क्या था, अब क्या हुआ, 1950 पे संविधान में राज्य ऐड कर लिए गए 29, भाषा के आधार को समाप्त कर दिया गया बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो लोग थे तेलुगु भाषा के, विरोध करते रहे, जो तेलुगु भाषा को विरोध लोग कर रहे थे, उनमें एक लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्री रामलु, उनका नाम था पोटी श्री रामलु, और वो आमरण अनशन पर बैठ गए, विरोध करते रहे। उसके बाद कुछ समय बाद आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन तक, कुछ जगह 52 दिन भी लिखा हुआ है, 56 दिन तक आमरण अनशन किया। और 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो जाती है, अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर लोगों में आक्रोश आ जाता है और ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है घटना, ठीक है। अब इसको देखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ भाई इनकी भाषा के आधार पर हम स्टेट बना देंगे, उस समय माहौल को देखते हुए, ठीक है। अब घोषणा तो कर दी नेहरू जी ने, अब प्रॉब्लम क्या थी, और इसके बाद घोषणा के बाद काम भी किया गया। 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश, मद्रास से हटाकर, मद्रास जिसका नाम आज तमिलनाडु है, ठीक है, वहाँ तमिल भाषा थी, तो वहाँ से तेलुगु वाले अलग कर दिए आंध्र प्रदेश के रूप में, ठीक है। और एक आंध्र अधिनियम 1953 पारित कर दिया। लेकिन फिर जो और स्टेट थे उनमें ये मांग बढ़ गई, गुजरात वाले कहने लगे हमें भी चाहिए, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी मांग को लेकर कहने लगे भाई हमें भी भाषा के आधार पर अपना अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। अब वही प्रॉब्लम जो पहले अखंडता को खतरा था वही खड़ा हो गया। अब नेहरू जी ने कमेंट तो कर दिया, और कमेंट कर दी तो काम भी कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब क्या करें इसको लेकर। तो फिर नेहरू जी ने क्या करा भाई, इसका सोल्यूशन निकालो, अगर हम यही करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो फिर जाकर एक आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, के राज्य को दोबारा पुनर्गठन किया जाएगा जिससे कि अखंडता को भी खतरा ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इन फ्यूचर में, ऐसी कुछ बातें करी जाएँ, ठीक है। तो इस आयोग का गठन पूछा जाए तो 22 दिसंबर 1953 को इसको गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष फजल अली, इसलिए इसको फजल आयोग भी कहते हैं। अगर पूछा जाए फजल आयोग तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, क्यों, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। उसमें अन्य सदस्य भी थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पड़ीकर, ये 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है, फजल अली सहित। और रिपोर्ट क्या थी, इसने कहा कि ठीक है आप क्या करिए, राज्य को पुनर्गठन समय भाषा को मुख्य आधार बनाए, लेकिन एक भाषा एक राज्य स्वीकार नहीं है। यानी कि अगर जैसे एक स्टेट है, ये मान के चलिए स्टेट है, यहाँ पर रहते हैं आपके, इधर ज़्यादा लोग रहते हैं मराठी और इधर ज़्यादा लोग रहते हैं गुजराती, तो ये डिवाइडेशन कर दीजिए जिससे कि एक भाषा के एक तरफ आ जाएंगे, एक भाषा के एक तरफ। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मराठी ही रहेगा, यहाँ पर गुजराती रहेगा, इधर मराठी चला गया तो उनको मारेंगे, नहीं, एक भाषा एक राज्य स्वीकार नहीं, आप भी रह सकते हो वहाँ पर जाकर, लेकिन हाँ विभाजन में इस प्रकार से कहेंगे कि एक राज्य में एक ही भाषा के लोग आ जाएं, इधर पंजाबी पंजाबी आ जाएं, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, इधर खड़ी बोली वाले हरियाणवी आ जाएं, इधर गुजराती आ जाएं, इस तरीके से विभाजन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ उसमें गुजराती रहे, गुजराती में जाकर मराठी भी रह सकता है, क्लियर है भाई। तो ये रिपोर्ट आपको मैंने सिंपल भाषा में समझा दी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, 1955 में 30 दिसंबर 1955 को, तो उस रिपोर्ट में क्या मसला था,
ठीक है। और अब इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो पेश हुई 1955 में उसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 आपके राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब वो कौन कौन से थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी बात समझ में आ रही होगी। यदि एक भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई एक्सप्लेन करने का हुआ तो नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसको पॉज डाउन कर लें, फिर बताता हूँ अगला टॉपिक। देखिए जो रिपोर्ट पेश की गई राज्य पुनर्गठन आयोग की 30 दिसंबर 1955 को जो रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर एक अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इसके तहत 1 नवंबर 1956 का जो हमने बात करी थी अभी 14 स्टेट और 6 यूटी, तो गठन किया गया सारे उन चार भाग जो थे उनको मिक्स करके क्या कर दिया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन कर दिया। 14 राज्य में कौन कौन थे आपके, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, बम्बई आज मुंबई क्या राजधानी महाराष्ट्र की, पहले महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम क्या था, बम्बई, ठीक है। अब क्या कर दिया, बम्बई के दो विभाजन, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात, और महाराष्ट्र की राजधानी बना दी है मुंबई, क्लियर है। तो ये डिफरेंस है बम्बई और मुंबई में। तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 14 स्टेट थे। और आपकी 6 यूटी में आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी आपका क्या हुआ करता था, एक के केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। लकादीप, अमीनीदीप, ये मिक्स जो लक्षद्वीप नाम कर दिया है, पहले इनको लकादीप अमीनीदीप, ठीक है, मैं एक बड़ा नाम हुआ करता था, अब नाम चेंज कर दिया है उसका, ठीक है। बताएंगे कब किया गया उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। त्रिपुरा और मणिपुर, तो ये आपके 6, तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि 14 आपके स्टेट और 6 केंद्र शासित राज्य, ठीक है। इनके बारे में आपको बताया, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश सब पहले क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे जब 1 नवंबर 1856 को इनका पुनर्गठन किया गया, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 14 स्टेट और 6 यूटी जो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाए गए, क्लियर है भाई। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और 14 राज्य आपके सामने, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये 14 स्टेट थे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लकादीप, आपकी मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो लकादीप मिनीकामीदीप है इनका नाम बाद में क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप, ठीक है। ये मैं भी आपको बताऊंगा नाम परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत करे जाते हैं, किन किन स्टेटों के नाम परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे मैसूर का आपका कर्नाटक हो गया, मद्रास का तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा का ओडिया हो गया, ये जो स्टेट के नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 3 के तहत कब कब किस किस स्टेट का नाम चेंज हुआ है, क्लियर, ठीक है भाई। और ये जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये बाद में क्या बना दिए गए, ये पूर्ण राज्य का इनको दर्जा दे दिया गया, कब दिया गया वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे की, क्लियर है, इसको नोट कर लें। तो देखिए ये बात हुई 1 नवंबर 1956 तक की, कितने हमारे पास स्टेट थे, 14, और यूटी कितनी थी हमारे पास, 6, यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य। लेकिन आज हमारे पास राज्यों के विवरण अलग है, ठीक है। तो वो स्टेट क्या है वो मैं आपको समझाऊं कि पुनर्गठित राज्य कौन कौन से, संख्या कैसे बढ़ गई, ठीक है। तो 1956 के बाद पहली बार जो ये पुनर्गठन की प्रक्रिया दोबारा लागू हुई वो 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को जो बम्बई है, बम्बई में दो भाषाई लोग रहते थे, एक तो गुजराती और एक मराठी, ठीक है। तो पुनर्गठन अधिनियम क्या कहता है कि भाषा को मुख्य आधार बनाओ लेकिन एक भाषा एक राज्य स्वीकार नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, जिस बम्बई के जिस क्षेत्र में गुजराती लोग ज़्यादा रहते थे वो एक स्टेट बना दिया गुजरात, और जिस क्षेत्र में मराठी लोग ज़्यादा रहते थे उसको क्या बना दिया, महाराष्ट्र। तो ध्यान रहेंगे इस प्रकार से बम्बई को विभाजित कर दो स्टेट बनाए गए 1 मई 1960 को, कौन कौन से, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात, ठीक है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या, मुंबई, लेकिन बम्बई एक स्टेट था जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए 15वां स्टेट, तो 15वां स्टेट क्या होगा भी आपका, क्योंकि महाराष्ट्र की बम्बई की जगह तो महाराष्ट्र ने ले ली, ठीक है। और 15वां स्टेट क्या बनाया गया, गुजरात, ठीक। इसके बाद 16वां स्टेट बनाया गया नागालैंड,
ये आपका 16वां स्टेट था 1 दिसंबर 1963, जो असम का पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर क्या बना दिया, एक नया स्टेट नागालैंड, बाहरी क्षेत्र असम का बाहरी क्षेत्र जो है, ठीक है। फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब, पंजाब में हिंदी भाषा बोलने वाले भी थे और पंजाबी भाषा बोलने वाले भी थे, तो उन्होंने क्या करा, पंजाब में जिस क्षेत्र में ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते थे उसको पंजाब, और जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा ही लोग थे, हिंदी खड़ी बोली वाले, उस क्षेत्र को क्या बना दिया, हरियाणा। तो इस प्रकार से हमारे भारत का जो 17वां राज्य बना वो क्या था, हरियाणा, पंजाब से अलग होकर, ठीक है। हिंदी जो बोलते थे उनको अलग कर दिया गया, जो जहाँ, ऐसा नहीं है कि अब पंजाबी लोग हरियाणा में नहीं रहे, नहीं, बस ये बनाया गया कि जिस क्षेत्र में एक भाषाई लोग उसको एक अलग स्टेट ही बना दिया गया, ठीक है। ये 1 नवंबर 1966 को। अगला आपको जो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, अब उसमें थोड़ा और क्षेत्र मिला करके उसको क्या कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा स्टेट बना, 18वां, ठीक है। इसके बाद आपके मणिपुर त्रिपुरा, ये दोनों पहले यूटी थी, लेकिन इनको क्या कर दिया, पूर्ण राज्य, और जो मेघालय, एक मेघालय था असम के पास में, उसको भी क्या कर दिया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 21 जनवरी 1972 को 3 स्टेट, मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, ये 19वां, ये 20वां और ये 21वां, यानी कि 1972 में हमारे पास स्टेटों की संख्या कितनी हो गई थी, 21, ठीक है। इसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम, मैंने बताया था सिक्किम पहले एक संबंध राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो अमेंडमेंट लाया गया 1975 में, उसके तहत 16 मई 1975 को सिक्किम क्या बन गया, भारत का पूर्ण राज्य, 22वां, भारत का 22वां राज्य कौन बना है, सिक्किम, ठीक है। पहले इसको संबंध राज्य आर्टिकल 2A मैंने अभी समझाया, जो किससे संबंधित है, सिक्किम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 2A जो निरस्त कर दिया गया है वो किससे संबंधित था, सिक्किम से, ठीक है। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये 23वां और ये 24वां, दो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो 1987 में हमारे पास राज्यों की संख्या कितनी हो गई, आपका 24। उसके बाद 30 मई 1987, देखिए जो गोवा है, गोवा के बारे में, गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पोर्चुगीज से आज़ाद किया गया था, ठीक है, पोर्चुगीज से स्वतंत्र किया गया 1961 में, लेकिन इसको जो भारत का दर्जा दी, भारत के राज्य का दर्जा दिया गया वो 30 मई 1987 को। गोवा जो स्वतंत्रता दिवस है, गोवा को स्वतंत्र किया गया वो 19 दिसंबर को, लेकिन जो गोवा भारत का राज्य बना है वो 30 मई 1987 को, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा स्वतंत्र किया गया था पोर्चुगीज से, और 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य कौन बना है, गोवा। इसके बाद आपके 2000 में 3 राज्य, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश में से अलग किया गया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से 13 जिले हटाए गए थे, ठीक है। आपको बता दें 2000 से पहले जो उत्तराखंड था वो किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का, और जो झारखंड है वो कहाँ से निकाला गया है, बिहार से। ये 3 राज्य आपका, ये 26वां, ये 27वां और ये 28वां, 28वां राज्य क्या था, झारखंड। सो सन 2000 में स्टेटों की संख्या कितनी हो गई थी, स्टेटों की संख्या हो गई थी 2000, ठीक है। इसके बाद में आपका एक स्टेट नोट करेंगे, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे सभी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और देखिए इस प्रकार से 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया, किसको, तेलंगाना को, ठीक है। अब स्टेटों की संख्या कितनी होगी, 29। अब बोलोगे सर 2014 में 29 थी, अब 28 कैसे रह गई, तो आपको बताएं एक स्टेट था जम्मू और कश्मीर, अभी 2019 को क्या, 2019 में क्या किया गया, उसको विभाजित कर दिया गया 2 UT में, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा उससे छीन लिया गया और उसको 2 राज्यों में विभाजित कर दिया, 2 केंद्रशासित राज्यों में, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है, इसलिए 28 रह गए हैं। तो 2014 में प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 29। इसी प्रकार से आपकी केंद्र शासित प्रदेश, 11 अगस्त 1961 को दादरा नागर हवेली, 1961 को दादरा नागर हवेली किनसा पुर्तगालियों से इसको छीना गया, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पांडिचेरी जिसको कहते हैं, फ्रांसीसियों के अधिकार में थी, 1 जुलाई 1963 को ये भी क्या बना दी गई, केंद्र शासित प्रदेश। इसी प्रकार से 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ पंजाब में थी, पंजाब से अलग करके, ठीक है, जैसे हरियाणा पंजाब चंडीगढ़, 3 बनाए गए। 23 मई 1987 को दमन और दीव, 31 अक्टूबर, आप देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब स्टेट कितने थे, 29, लेकिन एक स्टेट वहाँ से कम कर दिया, तो उधर कितने रह गए, 28, और यहाँ पर 2 UT बना दी, 31 अक्टूबर 2019 को एक बन गई जम्मू कश्मीर और एक बन गई लद्दाख। तो यदि वर्तमान में हमारे राज्य बताए जाएँ तो राज्य कितने हैं हमारे यहाँ इस समय, 28 राज्य हैं,
ठीक है। और यदि बात करी जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो हमारे यहाँ इस समय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। क्लियर, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए जम्मू और कश्मीर क्या है इस समय, तो जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं, केंद्र शासित राज्य है। और जो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में ही था, तो जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख भी क्या बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो नई जानकारी ये है कि 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। अभी क्लास नहीं, अभी हम एक बात और बताएंगे, कुछ प्रदेशों के नाम परिवर्तन किए गए हैं, उनसे भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका नाम परिवर्तन कब किया गया। ठीक है, जो पहले स्टेट थे उनका नाम परिवर्तन तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। तो किन किन राज्यों का नाम परिवर्तन किया गया उनको और पढ़ना है। ठीक है, उन राज्यों के बारे में बताता है किन किन स्टेटों का नाम परिवर्तन हुआ है। इसके बाद स्टेट से जुड़ी आपकी हर जानकारी, उनकी स्थापना से जुड़ी, जो भाग एक में संबंध है राज्यों से, वो आप सारा कुछ समझ जाओगे। भाग एक की जो जानकारी है पॉलिटी की राज्यों से संबंधित, वो सारा कुछ आपको दी गई है। क्लियर है, तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं जानकारी को। तो देखिए अब बात करते हैं नाम परिवर्तन। कुछ राज्यों के नाम बदल दिए गए हैं, आपको आपने देखा होगा वो नाम किसी और से, लेकिन आज वो स्टेट है नहीं, तो उस बारे में वो नाम परिवर्तन किया गया। और जो नाम परिवर्तन किया जाता है वो किसके थ्री, भाई आर्टिकल 3, मैंने आपको बताया था भाग एक के आर्टिकल 3 में प्रावधान है। तो किस किस का नाम परिवर्तन किया गया कब, ध्यान रखेंगे। एक तो संयुक्त प्रांत 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। मद्रास, इसका नाम 1969 में क्या कर दिया गया, तमिलनाडु। आज मद्रास नहीं, अब किस नाम से मिलेगा, तमिलनाडु। हालांकि जो वहाँ के उच्च न्यायालय वगैरह हैं वो आज भी मद्रास से चल रहे हैं, लेकिन उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया 1969 में, तमिलनाडु। फिर मैसूर, मैसूर के युद्ध सुनोगे आप सोचते हो मैसूर कहाँ गया, तो मैसूर कहीं नहीं गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया। मैसूर का नाम क्या हो गया, कर्नाटक, जिसकी राजधानी बंगलौर है। ठीक है, 1973 में नाम परिवर्तन कर दिया। अब लक्षद्वीप, मिनी द्वीप अभी ये कहाँ गए, अभी आप पढ़ा रहे थे यूटी में, तो इन सब का नाम बदल के क्या कर दिया, लक्षद्वीप 1973 में। ठीक है, आपका दिल्ली, दिल्ली का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये तो 1992 में 69वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत दिल्ली का नाम क्या बदल दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, NCR जिसको कहते हैं। ठीक है, आपका उत्तरांचल जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का पहला नाम क्या था, उत्तरांचल, जब 2000 में अलग किया गया था, लेकिन 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल के क्या कर दिया, उत्तराखंड। इसी प्रकार से 2006 में पांडिचेरी का पुडुचेरी और उड़ीसा का उड़ीसा 2011 में। ठीक है, नाम परिवर्तन है, पूछ लिया जाता है कब परिवर्तन किया गया है, किस आर्टिकल के तहत, 3 के तहत। ठीक है, तो ये स्टेट अब इस नाम से नहीं, इस नाम से मिलेंगे। क्लियर, अब देखिए अभी हमारी पूरी स्टेट से जुड़ी जो भी स्टेट हैं वो उनसे विवाद हैं, मतलब पुनर्गठन को लेकर, शुरू से लेकर मतलब 31 अक्टूबर 2019 तक का मैंने सफ़र तय कराया आपको 1950 से, कौन सा स्टेट कहाँ से आया, कौन सी कमेटी, क्या बातें, सारा कुछ करंट का भी आपको बता दिया। क्लियर है, अब आपको होमवर्क ये करना है, आपको इतना काम जरूर करना है, क्योंकि अब मैं बच्चों वाली बात तो बताऊँगा नहीं आपको, आपको जितने भी आपके 28 राज्य हैं, 28 राज्य की राजधानी आपको याद करनी है। ठीक है, 28 राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, और कोशिश करो उनके CM और गवर्नर, ये आपका प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बात की, लेकिन जो भाग एक से रिलेवेंट जितनी बातें हैं, ऐसा नहीं है राज्यों की, अभी हमें विधानमंडल इनके बारे में वो अलग भाग छः, यहाँ पर राज्यों संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र, कौन कौन से राज्य हैं, कब गठन हुआ, इससे रिलेटिव जितनी बातें थी, भाग एक से रिलेटिव जितनी बातें थी, वो संविधान भाग एक मैंने पॉलिटी की पूरी यहीं पर डिस्कशन आपको कर दिया। ठीक है, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया गया है, और यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के पास। ठीक है, और PDF आपको जल्द मिलती रहेगी, क्लास 1 से लेकर 9 तक की जो PDF है वो क्लास 9 के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, लॉकडाउन के बारे में ज़्यादा ना सोचें, या वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में ना सोचें, अपने आप को इम्प्रूव करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।